और हम मूंग दाल और चावल के साथ एक बहुत मज़ेदार सी स्पाइसी सी सब्जियों के साथ खिचड़ी बनाना आपको सिखाएंगे। फुल मील इन इटसेल्फ आप ऐसे भी खा सकते हैं। आप सोच रहे होंगे ऑलरेडी क्या बन रहा है हमारे शो पे, तो ऑलरेडी मैंने सिर्फ मूंग दाल को बॉईल करने रख दिया है, दैट्स इट, ठीक है। और इसको बनाने के लिए आप प्रेशर कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चावल और दाल को पानी के साथ डाल दीजिएगा 3 कप पानी के साथ, और उसको प्रेशर कुक कर दीजिएगा 5 मिनट के लिए। एकदम जल्दी गल भी जाएगी, ये थोड़ी नरम सी खिचड़ी बनती है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक पैन लेंगे। एक्चुअली तो मैं चावल और दाल को बॉईल नहीं मैंने साथ किया है, अगर आप साथ बॉईल करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं क्या करूँगी कि मैं यहाँ पहले ये सारा मसाला पका के दाल डाल के फिर उसमें एंड में चावल डाल दूँगी। ओके, सो हियर वी गो। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले घी ले लेते हैं, आप मक्खन में करें, घी में करें, तेल में करें, वॉट एवर यू लाइक। अच्छा, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, टमाटर है, मटर है, हरी मिर्चें हैं, ज़ीरा है साबुत, अदरक है, और नमक, हल्दी, राई दाना, ये सब कुछ इसमें जाएगा, ठीक है। बनाइएगा इसी तरह, आप भी सीखिएगा और ट्राई करिएगा। दाल को एट टाइम्स टाइम लग जाता है, तो इसीलिए मैंने इसको अलग से कर दी। देखें, इट्स ऑलमोस्ट डन, देखा आपने, बिल्कुल ये गल गई। इसका मैं चूल्हा बंद करके ना इसको यहाँ रख देती हूँ। इनफैक्ट मैं इसको स्ट्रेन कर देती हूँ, छान लेती हूँ मैं इसको। मुझे एक्सेस पानी नहीं चाहिए कि चावलों में आ जाए। घी वहाँ पिघल चुका है, ये हम बाद में डालेंगे। सबसे पहले आप डालिए थोड़ा सा राई दाना, फिर उसमें थोड़ा सा आप ज़ीरा डालिए, साबुत ज़ीरा है ये, ठीक है, और अदरक। इसको अच्छा सा भून लीजिए, थोड़ी सी हरी मिर्च, वी डोंट वॉन्ट इट वेरी स्पाइसी, लेकिन थोड़ा सा मज़ेदार सा लगता है, तीखी तीखी खिचड़ी नहीं। और हल्दी, अब आप इसमें नमक शामिल करेंगे। फुल मील इन इटसेल्फ है, और टमाटर में डाल देती हूँ। टमाटरों को बहुत मशी नहीं करना है, ठीक है। अब इसी में मैं दाल को शामिल कर देती हूँ। थोड़ा सा मिक्स करेंगे मसालों के साथ, टमाटर साथ, और फिर चावल। पानी में बिल्कुल नहीं डाल रही अभी, इसको ज़रा अच्छी तरह भूनते हैं। अज्जा मैं आपको एक बार फिर बताती चलूँ, चावल है, मूंग की दाल है, हल्दी है, नमक है, मटर है, और टमाटर है, घी है, साबुत ज़ीरा है, मस्टर्ड सीड्स यानी राई दाना है, और अदरक, ठीक है। बिल्कुल हल्की आंच पे इसको छोड़ दीजिए। और इसका ढक्कन ढांक दीजिए। फिर मैं थोड़ी देर बाद इसको ढक्कन को उठा के चेक करूँगी, इफ यू नीड वाटर, तो फिर हम बहुत थोड़ा सा पानी डालेंगे, वरना क्या होगा, चावल बहुत ज़्यादा मशी हो जाएंगे। दाल पक चुकी है, इसीलिए मैंने पहले दाल को पका लिया था। अगर आप लाल मसूर की दाल के साथ खिचड़ी बना रहे हैं तो फिर उसको अलग से बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाज़ वक्त मूंग की दाल नहीं गलती है, तो मैंने इस तरह किया है। और इस वाली रेसिपी को अगर आप बिल्कुल सॉफ्ट वाली खिचड़ी बनाना चाहते हैं, तो फिर आप चावल और दाल को पानी के साथ प्रेशर कुकर में डाल दीजिएगा, हल्दी नमक के साथ, तो वो प्रेशर कुक होकर बहुत ही जल्दी गल जाएगा। वो मशी टाइप ये रेसिपी उस टाइप की है। कमिंग टू द ऑरेंज आइसक्रीम, यहाँ मैंने छान के जूस निकाल के रख दिया है, 2 और 1/4 कप
ऑरेंज जूस है। ऑरेंज के जेली क्रिस्टल्स आजकल मार्केट में नहीं मिल रहे हैं, हालांकि मिलने चाहिए। ऑरेंज सीज़न है और ऑरेंज जब सीज़न में हो तो ऑरेंज के साथ हम बहुत सारे डिज़र्ट्स बनाना चाहते हैं, लेकिन अभी कहीं भी मुझे नहीं मिली। तो मैंने मैंगो की जेली का इस्तेमाल किया है, लेमन जूस है, चीनी है और क्रीम है। इन सारी चीज़ों को या ब्लेंडर में डाल दीजिए या आप उसको बीटर के साथ बीट कर लीजिए। खाली एक प्लास्टिक का डब्बा मैं लाई हूँ, उसमें हम फ्रीज कर देंगे और फिर बाद में हम आपको इसको दिखाएंगे स्कूप्स में निकाल के, ठीक है। सो इस तरह भी आप बनाइए। छोटे वाले मैंडरिन ऑरेंजेस मिलते हैं, यानी बहुत छोटे वाली ऑरेंजेस मिलती हैं, थोड़ी सी खट्टी होती हैं, उसके जो फांके होती हैं सेगमेंट्स वो बहुत ही अच्छे लगते हैं इस तरह के आइसक्रीम के ऊपर डेकोरेट करने के लिए। नाउ जस्ट सी दिस, देखा आपने, दिस इज़ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ खिचड़ी। और इसको ऐसे करके उठा के ना आपने चावल को चेक करना है। ऑब्वियसली अभी तो चावल नहीं हुए हैं, बहुत थोड़ा सा पानी डालिएगा प्लीज़, बहुत थोड़ा सा, ठीक है। बस इसी की भाप में ये पक जाएगा। हर मुल्क में, एवरी क्विजीन में एक टाइप ऑफ खिचड़ी होती है, हम इसको खिचड़ी कहते हैं। बाहर के ओरिएंटल फार ईस्ट में इसको कॉन्जी कहते हैं। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ चावल को डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ों के साथ, स्पाइसेस के साथ पका के नाश्ते में ये लोग खाते हैं। सो ये भी मैंने आपको आज बनाना सिखाया है। दिस इज़ वेरी हेल्दी एंड वेरी लाइट एंड न्यूट्रिशियस। और अगर आप इसमें बच्चों को खिलाना चाहते हैं तो हरी मिर्चें का शामिल इस्तेमाल नहीं करिएगा, उसको नहीं शामिल करिएगा। अच्छा, नीचे आई एम थिंकिंग ऑफ पुटिंग अ तवा, वरना ये नीचे लग जाएगा। ठीक है, और अब इसको मैं दम पे रख देती हूँ। चावल को बस हमें चेक करना है कि चावल अच्छी तरह गल गए हों, चावल कच्चे ना रहे हों। थोड़ा थोड़ा स्प्लैश ऑफ वाटर आप कर सकते हैं। बहुत दफ़ा जब हम कोई चीज़ पकाते हैं तो उसमें हम अगर पानी हमें रखना होता है तो केटल में या पानी गर्म कर लीजिए या चूल्हे पर एक पैन में पानी गर्म करके रखिए। कोई भी चीज़ पक रही हो उसमें आप गर्म पानी डालिए। दाल पक रही हो और आपको लग रहा है कि पानी ख़त्म हो रहा है और पानी डालने की ज़रूरत है, ठंडा पानी नहीं डालिएगा। तवा रखा हुआ है हाथ में, आप सोचेंगे व्हाट इज़ इन माय हैंड, इसका काम हो गया था, सो आई हैव जस्ट रिमूव्ड इट। और अब इसमें एंड में हम मटर डाल देंगे। एंड में इसलिए डाल रही हूँ मैं मटर बिकॉज माई मटर इज़ ऑलरेडी बॉयल्ड, ठीक है। जब मटर सस्ता हो जाए आप बहुत सारे मटर घर लाइए, उसको छील दीजिए, शेल कर दीजिए, एक बोल में डाल दीजिए, अच्छी तरह धो दीजिए और उसके बाद फिर एक बड़े से पतीले में चुटकी भर नमक, चुटकी भर चीनी के साथ या फिर चुटकी भर सोडा के साथ डाल के एक उबाल आने दीजिए। पहले पानी पूरा उबाल आ जाए फिर वो मटर डाल दीजिए और उसके बाद फिर आराम से आप उसको रख सकते हैं पूरे साल तक। ये हरे रहते हैं इस तरह। ये मेरे थोड़े पुराने मटर हैं लेकिन इनको मैं हमेशा ब्लांच करके फ्रीज़ करती हूँ, कच्चे फ्रीज़ नहीं करती हूँ और फुल बॉयल करके भी फ्रीज़ नहीं करती हूँ। सो यू मिक्स इट इन। अब देखें ये खिचड़ी इस तरह होनी चाहिए, ठीक है। अब चेक कर लीजिएगा, चावल इज़ डन, चावल इज़ डन, ठीक है। और टमाटर भी साबुत नज़र आने चाहिए, जितना हो सके आपको अंदर डालना हो मटर अंदर डाल दीजिए। आप इसमें मकई भी शामिल कर सकते हैं, शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं। आई हैव गॉट अ बोल हियर, उसमें मैं निकाल दूँगी। कितनी आसान रेसिपी थी आपके सामने, मैंने कितनी जल्दी बना ली। अगर आपके घर में बॉयल दाल पड़ी है तो उसका पानी निथार दीजिएगा और इस तरह आप एक और रेसिपी से तैयार कर सकते हैं, ठीक है।